मैंने ये इस तरह के स्टील के डिब्बे में भर दिया है। इसका कैप लगाकर इसे फ्रिज में रख देंगे। भुट्टे के दाने कैसे निकालेंगे ये आज मैं बता रही हूँ। किसी भी उल्टे स्पून से इस तरह ऐसे कट लगाइए जैसे मैंने इसमें लगाया है, और फिर दाने इसकी हेल्प से, अंगूठी की हेल्प से इस तरह से निकालते जाइए। सूखे हुए भुट्टे के दाने आसानी से निकल जाएंगे। आप गीले भुट्टे के दाने भी इससे निकाल सकते हैं। वैसे तो अंगूठे की हेल्प से ही ये आसानी से निकल रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ऐसे मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। इसी तरह हम पूरे भुट्टे के दाने निकाल लेंगे। और चार भुट्टों से ही इतने दाने निकले हैं। अब हम इन्हें मिक्सर जार में डालकर क्रश कर लेंगे इंचर पे। एक बार चेक करेंगे, इस तरह से हमें ये कोर्स फॉर्म में पीस लेना है। गैस ऑन करके अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है। मैंने गैस ऑन कर दी है, इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसमें जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए, इतना ही हमें रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ये देखिए इसका मॉइस्चर सूख चुका है, ये ऐसे खिला खिला सा होने लगा है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में ही थोड़ी देर इसे रखा रहने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे ये तली में चिपकेगा नहीं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे और अलग अलग व्यंजन बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। सूखे भुट्टे को स्टोर करने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।